नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। फिरोजाबाद में दबरई स्थित सपा कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान सपा जिलाध्यक्ष दुर्गपाल सिंह यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बुरी तरह हारी। समाजवादी पार्टी हर जगह भारी मात्रा में जिला पंचायत सदस्य जीते। जिला फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी समर्थित समाजवादी पार्टी के 18 प्रत्याशी जीते। हम लोग पूर्व बहुमत में, कुछ लोग हमें निर्दलीय मिले, कुछ हमें बसपा से लोगों ने समर्थन किया। इस समय हम 20-21 वोट हमारे पास इस समय समाजवादी पार्टी के पास हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन की मदद लेकर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे 10 नंबर के वोट प्रदीप यादव झब्बू के यहाँ दो भट्टों पे दमकल के पानी के माध्यम से उनकी आग बुझा दी गई, उसमें लाखों का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। कच्ची ईंट को पानी डाल के ख़त्म कर दिया गया, भट्टे की आग को बुझा दिया गया। उसके बाद हमारे भीम सिंह कुशवाहा के खिलाफ संगीत धाराओं में मुकदमा लिखा गया, उसे तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, जिसको आपने DO के माध्यम से जो भी आपने जो वीडियो भी वायरल हुई है। इसके बाद यहाँ राखी दिवाकर 17 नंबर से हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीती थी, वो हमारे साथ हैं। उनके खिलाफ हमारे सदस्यों को उसी में लपेटा गया कि 4 सदस्यों ने उनका अपहरण कर लिया गया, जब उनके परिवार के लोगों ने उसमें एफिडेविट भी दिए, उनके परिवार के लोगों के वीडियो भी वायरल हुए हैं कि हम अपनी स्वेच्छा से अपनी रिश्तेदारी में या जहाँ भी सुरक्षित जगह पर रहना चाहते हैं रह रहे हैं और अपना समय पर आके अपना वोट डालेंगे। उनमें कम से कम 4 लोगों को लपेटा गया, उनकी हम लोग जमानत करा चुके हैं, लेकिन जमानत के बाद भी पुलिस प्रशासन पूरा दबाव हमारे जिला पंचायत सदस्यों पर बना रही है। उसके बाद 14 नंबर की प्रवेश कुमारी का अपहरण दिखा के, उनके एक दूर के कोई चाचा दिखा के, जब उनके परिवार का कोई सदस्य की कोई एविडेंस नहीं, कोई लिखित तहरीर नहीं, लेकिन अन्यंत्र चाचा बना के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक मुकदमा डाला, जिसमें हमारे मेंबरों को भी इन 4 मेंबर को इन्वॉल्व कर दिया गया। तो हम आपको, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से घिनौना कृत्य कर रहे हैं आपके सामने है, जबकि उनका भी प्रवेश कुमारी का वीडियो वायरल हुआ है, प्रवेश कुमारी ने अपना बयान दिया है कि मैं अपने स्वेच्छा से अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर रह रही हूँ रिश्तेदारी में। उसके बाद प्रशासन को ये बनता है कि प्रशासन इन मुकदमों को ख़त्म करे, लेकिन प्रशासन भी सरकार के दबाव में पूरा सरकार के एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। हमें उन्हें आगाह करना चाहते हैं कि आने वाला समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। इस समय जनादेश जो मिला है समाजवादी पार्टी को, उसका सम्मान होना चाहिए। प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि जो लोकतंत्र में जीत के आया उसकी रक्षा करे। इस पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, इस पूरे वक्तव्य को आप जिले में किस तरीके से देखते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सत्य है। हम देख रहे हैं कि सभी जिलों में, जिला फिरोजाबाद में DM और कप्तान पूरी कमान संभाले हुए हैं और सारे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ये आदेशित कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के वोटों को तोड़ो और भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाओ। ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमारे सभी सदस्यों पर दबाव बना, उनके परिवार पर, कहीं ज़मीनों पर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कई कॉलेजों पर देख रहे हैं आप जांच बैठ रही है कि कॉलेजों के खिलाफ भी ने लिखा है, तमाम हमारे जो सदस्य उनके पास कॉलेज हैं, कॉलेजेस पर दबाव बनाया गया है, किसी की ज़मीन पर दबाव बनाया गया है, किसी के भट्टे पर, आप सारी चीज़ देख रहे हो। तो हर रूप में प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की फुली मदद कर रहा है और DM और SP इसमें पूर्ण रूप से संलिप्त हैं। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हरिओम यादव के घर पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व पहुंचता है और उसको औपचारिक मुलाकात कहा जाता है, आप इस पूरी मुलाकात को किस रूप में देखते हैं? देखो, हरिओम यादव हमारी पार्टी में नहीं है और हरिओम यादव समाजवादी पार्टी इस विषय पर कोई बिंदु ने, हरिओम यादव से हम लोगों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में है, हरिओम यादव क्या कर रहे हैं उसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हरिओम यादव की कोई आवश्यकता भी हम नहीं समझते हैं कि समाजवादी पार्टी को किसी भी तरह की कोई आवश्यकता है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दें। समाजवादी पार्टी अपने दम पर जिले में सारे समाजवादी पार्टी के सदस्य समाजवादी पार्टी के साथ अन्य लोगों के साथ पूर्व बहुमत में 21 वोट हमारे साथ पूरी ताकत के साथ यहाँ खड़े हैं, इसलिए इस बात पर कोई प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह जाता है कि हरिओम यादव जहाँ है वो अपना समझें, लेकिन समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से ताकत के साथ खड़ी है। और हमें उम्मीद है कि आप मीडिया के सारे भाई यहाँ मौजूद हैं कि हम चाहते हैं कि ये सारी सच्चाई को सामने लाएं और प्रशासन जिस तरह से दबाव बना रही है, दबाव अपना ख़त्म करे,
आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का ही, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने पूरे प्रदेश में यह संदेश चला गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पूरा प्रदेश एकजुट है, सारे दलित मजदूर किसान एकजुट हैं, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जिला फिरोजाबाद का पूरा नेतृत्व आदरणीय अक्षय यादव जी, आदरणीय प्रोफ साहब यहाँ देख रहे हैं। हमारे सभी संगठन के लोग, सभी नेतागण, सभी नौजवान साथी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी जो प्रत्याशी रुचि यादव हैं वो जिला पंचायत की सदस्य होंगी। वार्ता के दौरान सपा MLC डॉक्टर दिलीप यादव भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा, आज के समय प्रत्येक व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है अपना मत का प्रयोग करें, और सारी सरकारें, छोटी सरकार हो बड़ी सरकार हो, ग्राम सभा का इलेक्शन हो, जिला पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, सब अपने अपने मत से ही आदमी सरकार बनाता है। फिरोजाबाद में वर्तमान में 33 वार्ड हैं, सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, और ये जनता ने दिखा दिया है कि समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार आने वाली है। उसका आगाज पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आप सबके सामने है, पूरी सरकार, पूरे मंत्री, पूरे देश के लोग, कद्दावर लोग लगे रहे, लेकिन सत्यता की, सत्य की जीत हुई वहाँ। इसी तरह से यहाँ 2022 का आगाज है। किसान आंदोलन कब से कर रहे हैं, किसानों पर कोई दया नहीं है। जो जिला पंचायत मेंबर जीत के आए हैं भले लोग हैं, सारे गुंडा लोग हो गए, सबके खिलाफ मुकदमे हो गए। यहाँ जिले फिरोजाबाद में कोई अपराधी और नहीं है, कोई वांछित नहीं है, कोई इनामी नहीं है। तुरंत ये जिला पंचायत इलेक्शन लड़ने से पहले सामान्य अच्छे नागरिक थे, इलेक्शन जीतने के बाद इनमें ऐसा क्या परिवर्तन दिखाई देने लगा प्रशासन को, शासन को, कि गुंडा दिखाई देने लगे, भट्टे अवैध चलने लगे, विद्यालय गलत चलने लगे, मान्यता खत्म कराने लगे, पकड़ होने लगी। ये नारकी में FIR नंबर 221, FIR नंबर 222 लगातार ऊपर नीचे दो FIR 8 जून को दायर की जाती है। जिसका किडनैप हुआ है, हास्यप्रद बात है, जिसका किडनैप हुआ है वो ये कह रहे हैं वीडियो भेज कर कप्तान महोदय को कि मेरे साथ तो कोई घटना होनी, मैं तो अपने परिवार के साथ हूँ। उन्होंने मुलजिम बना दिए लोगों को। जब कैंडिडेट कह रहा है मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है, राखी दिवाकर कह रही हैं, प्रवेश कुमारी जी कह रही, दोनों दलित हैं, उनने प्रवेश ने तो बहुत अच्छा बयान दिया कि हम मुकदमा कायम कर देंगे प्रवेश के खिलाफ, आप नहीं कह रहे कोर्ट के द्वारा करा देंगे, 156(3) में करा देंगे। भाई आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा किडनैप हुआ, हम लोग स्वतंत्र बैठे हैं। और हंसी की बात यह है, संविधान का जो पालन कराने वाले हैं, जो कड़ी हैं, अधिकारी लोग हैं, वो उस बयान को नोट करके कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। आज भी कार्रवाई कर रहे हैं, आज भी नोटिस जारी कर रहे हैं, आज भी वारंट जारी करा रहे हैं। आगे क्यों, वो आदमी कह रहा मेरे, महिला कह रही मेरे साथ घटना हुई नहीं है। तो इस तरह की जो घटना है, इससे इलेक्शन में चुनाव जीतना चाहते हैं गुमराह करके, दबंगी के साथ, बदतमीजी कर, समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर नहीं होने देगी। संघर्ष करना जानती है, माननीय नेताजी ने संघर्ष सिखाया है, माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय अक्षय यादव जी पार्टी के बड़े नेता हैं यहाँ के, और प्रोफेसर साहब ने बयान दिया अपना TV पर, ये कहा है ऐसे अधिकारियों की सूची बना करके 2022 में जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जो गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, अन्याय का साथ दे रहे हैं, उनको ज़रूर उस पद पर रहने का अधिकार नहीं होगा, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से घटनाक्रम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, आपके माध्यम से, चौथा स्तंभ है, मीडिया का बड़ा रोल है, मीडिया पर लोग भरोसा करते हैं, जो मीडिया में दिखाते हैं लोग मानते हैं आप सही दिखा रहे हैं। 307 काम कर दिए एक पे, न कोई इंजरी नहीं, कोई चोट नहीं, कोई मारपीट नहीं, ये कुशवाहा पे 307 काम कर दिए। तो हम चाहते हैं आप सही चीज़ दिखाएं, जिससे जनता जो भरोसा करती है, भरोसा उसका पूरा कायम रहे। अधिकारी जो गलत कर रहे हैं, अधिकारी के आईने दिखाएं, जो नेता गलत कर रहे हैं उनके आईने दिखाएं, जिससे जो अपना जिला पंचायत मेंबर है स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग कर सके, और अच्छा आदमी सही है वास्तव में जिसे जनता चाहती है, वो चुनाव जीत के आ सके और अपने क्षेत्र में विकास कर सके।